हेलो फ्रेंड्स, बेटर बुक में आपका स्वागत है। बैंकिंग सेक्टर की जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। IBPS क्लर्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसमें 12,000 प्लस वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है जो कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए। और इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है CRP क्लर्क 9। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज क्या होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन क्या क्या हैं, सिलेबस क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आज अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 17/9/2019 है फ्रेंड्स। 17/9/2019 से लेके 9/10/2019, इसके बीच में आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे केयरफुली देख लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट डेट है, 17/9/2019 से लेके 9/10/2019। अब फ्रेंड्स, इसके बाद कॉल लेटर कब आउट होने वाला है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, कॉल लेटर जो है वो नवंबर 2019 में आउट होगा फ्रेंड्स। और उसके बाद जस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी 7/12/2019, 8/12/14/12/21/12 फ्रेंड्स। ये चार डेट इंपॉर्टेंट डेट हैं, इन चारों को एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर या जनवरी में ही आउट होगा, जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में देख रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ इसके मेंस एग्ज़ाम के बारे में, ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो वो है 19/1/2020। इसका मतलब कि इससे पहले ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही जल्दी फास्ट प्रोसेस होने वाला है इस बार का। और हम, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। और अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट के बारे में इस नोटिफिकेशन के। इस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो हम उसके ऊपर अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं लेना चाहता हूँ फ्रेंड्स, नेशनलिटी और सिटीजनशिप। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहता है उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई, जैसे नेपाल, भूटान, ये लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, इनके लिए भी स्पेशल कंडीशन है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स एज के लिए। जैसा कि पॉइंट सेकंड आप देख रहे हैं, एज मिनिमम इसमें मांगी है 20 इयर्स और मैक्सिमम है 28 इयर्स फ्रेंड्स। जैसा कि मेरा कर्सर जा रहा है तो वहाँ आप देख सकते हैं मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 है। और इसने साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/01/1991 एंड नॉट लेटर देन 0/01/1999। तो फ्रेंड्स, इसके बीच में ही जो है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1991 और 1999 के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये थी एक इम्पोर्टेंट डेट, इससे नीचे वाला ही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल एज रिलैक्सेशन क्या क्या हैं। IBPS ने स्पेशली एज रिलैक्सेशन क्या क्या रखी हैं, तो इसमें शेड्यूल कास्ट और के लिए है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। उसके बाद हम बात करेंगे बैकवर्ड क्लास, उसके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स। और उसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उसके लिए 10 इयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन है। और फ्रेंड्स, और भी कंडीशंस दी हुई हैं, एक्स सर्विस मैन हो गया, विडो हो गया, डाइवर्स वुमन हो गया, और वुमन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड जो है उनके लिए 9 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो फ्रेंड्स, ये था इस
नोटिफिकेशन की क्या क्या है, रिलैक्सेशन से उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अपने अगले पॉइंट पर जो कि है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम अपना अगला जो है पॉइंट डिस्कस करेंगे, थर्ड पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसने साफ साफ लिखा है आईबीपीएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स, अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स इसने साफ साफ लिखा हुआ है आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी में विषय सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास कोई भी स्ट्रीम का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसने मांगा है कंप्यूटर लिटरेसी, इसका भी कोई आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि एक नोट दे रखा है आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कब होना चाहिए, तो ये यहाँ लिखा हुआ है 9/10/2019, इससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट आपका आउट हो जाना चाहिए, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड, लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी बॉडीज एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर ऑन और बिफोर 9/10/2019। तो फ्रेंड्स इस डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आउट हो जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं अगले पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स, नोट के अंदर एक और पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट टू, जिसमें लिखा हुआ है जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको नियरेस्ट 2 decimal डिजिट तक आपका जो है परसेंटेज उसके अंदर एंटर करना है, और जिन कैंडिडेट का CGPA OGPA है उसको उनको परसेंटेज के अंदर अपना कन्वर्ट करके उसके बाद फॉर्म को फिल करना है फ्रेंड्स। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी थी। अब हम अपना जो है थर्ड पॉइंट और फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में कुछ डेफिनेशंस दी गई है, एक्स सर्विसमैन की दी गई है और DISX की दी गई है, जिनको कुछ लगता है कन्फ्यूज़न तो वो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑफ सर्विस मैन के लिए नेक्शन, और हम अब बात करेंगे अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो कि है सिलेबस। तो फ्रेंड्स इसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके ऊपर भी हम अब डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का सिलेबस जो रहने वाला है वो इस बार है इंग्लिश। वैसे तो बेसिकली सेम ही रहता है हमेशा सिलेबस, लेकिन इस बार सिलेबस है वो इंग्लिश लैंग्वेज। इसके हैं क्वेश्चंस रहेंगे 30 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 30, और आपको टाइम मिलेगा इसके लिए 20 मिनट, जैसे कि आप क्रशर जा रहे हैं वहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, इसके भी क्वेश्चंस फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन हैं और मैक्सिमम मार्क्स 35 और 20 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी, इसके क्वेश्चन भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके मार्क्स जो रहेंगे वो 35 है और 20 मिनट। तो फ्रेंड 3 सेशन इसके रहेंगे और टोटल टाइम होगा आपका 60 मिनट, मतलब एक घंटा। एक घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। जो कैंडिडेट इस प्रीलिम को क्लियर कर लेता है उसके लिए मेंस का होगा, तो मेंस का सिलेबस भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फ्रेंड्स। मेंस के अंदर कुछ सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं, जैसे कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस के फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स और 35 मिनट आपके इसके लिए मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 35 मिनट इसके लिए मिलेंगे आपको। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके भी फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस है और आपको 60 मार्क्स का ही रहेगा और 45 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। और लास्ट फोर्थ सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके भी 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स और 45 मिनट इसके लिए आपको मिलेंगे। तो जैसा कि आप टोटल देख रहे हैं 160 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स,
और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और 190 इसके क्वेश्चंस होंगे। तो हम इसको कंपेयर करते हैं प्रीलिम से, तो इसमें आपको मिल रहा है 1 घंटा और यहाँ पर मेंस में आपको मिलेगा 1 घंटा 60 मिनट। ये होगा 100 मार्क्स का और ये होगा 200 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट प्रीलिम को क्लियर करेंगे वो मेंस के अंदर आएंगे। तो ये था हमारा सिलेबस, फुली सिलेबस। और अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, इसके लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, जो कैंडिडेट एक क्वेश्चन को गलत करेगा उसके 0.5 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था IBPS कलर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और अब हम अपने आगे आने वाले वीडियो में जैसा कि फुल्ली सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से कौन सा रहेगा, तो उसके ऊपर हम एक अपना आगे आने वाला वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।